ओम नमः शिवाय, राधे राधे। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। इस बार प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत रखता है उसे मन मुताबिक फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत इस बार 15 जून को रखा जा रहा है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व। प्रदोष व्रत की तिथि है 15 जून। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार प्रभु इंद्रदेव और वृत्तासुर की सेना के बीच बड़ा युद्ध हुआ था। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर संपूर्ण रूप से नष्ट कर डाला था। इसे देखने के बाद वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और खुद युद्ध करने के लिए आ गया। उसने अपनी मायावी शक्तियों से भयंकर और विकराल रूप धारण कर लिया। उसका यह रूप देखने के बाद सभी देवता भयभीत हो गए और गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। इसके बाद बृहस्पति जी बोले कि पहले मैं आप सभी को वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया था। अपने पहले जीवन में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान में बैठकर कैलाश पर्वत पर आ पहुंचा। वहां शिव जी के बाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के इन वचनों को सुनने के बाद महादेव मुस्कुरा कर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा और मेरी पत्नी का यूं उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होते हुए बोली कि हे दुष्ट, तूने मेरा और महेश्वर का मजाक उड़ाया है। मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी, फिर तू कभी संतों का ऐसा उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे कर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। माता पार्वती के अभिशाप से चित्ररथ का राक्षस योनि में जन्म हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति बोले, वृत्तासुर बचपन से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। एक अन्य कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन
अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज्य की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन को फेरते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुरुओं का स्तवन करते हैं। शिव जी को प्रदोष श्रावण मास तथा महाशिवरात्रि की तरह ही प्रिय है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 100 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुहागिनों द्वारा इस व्रत के करने से उनका अखंड सुहाग बना रहता है। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल यानी संध्या समय में की जाती है। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ भी अलग अलग होते हैं। आइए जानते हैं किस तरह दिन के अनुसार व्रत का फल होता है। सोम प्रदोष व्रत सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर होने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है। इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। उस दिन के व्रत को करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत सौभाग्य प्रदान करता है। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। शनि प्रदोष व्रत संतान प्राप्ति के लिए शनिवार को होने वाला प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। रविवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि होती है। त्रयोदशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का धूप दीप से पूजन कर पूरे दिन निराहार व्रत का संकल्प करें। व्रती को इस पूरे दिन निराहार रहना है तथा दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। संध्या काल में सूर्यास्त होने के 1.25 घंटे पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने ईशान कोण में किसी एकांत जगह पूजा के लिए उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब धूप दीप नैवेद्य और पुष्प से शिव पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करें। तत्पश्चात प्रदोष व्रत कथा सुनने अथवा सुनाएं और अंत में भगवान शिव की आरती करें। प्रदोष काल में 1, 32 अथवा 100 घी के दीपक अवश्य जलाएं। प्रदोष व्रत यूं तो निर्जला रखा जाता है, परंतु अगर यह संभव न हो तो पूरे दिन सामर्थ्य अनुसार या तो कुछ न खाएं या फल लें। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन फलाहार ग्रहण करें। ध्यान रखें,
प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक वर्जित है। इस समय आपको कुछ नहीं खाना है, परंतु शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति फलाहार ले सकता है।